हेलो मैं शाहनवाज़ आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ चैप्टर मोशन इन अ प्लेन एंड इन दिस पार्ट एट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन सो जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर जो थे हमारे पार्ट सिक्स और पार्ट सेवन ज़रूर देखे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ जिसमें हमने डिस्कस किया था ट्रैंगुलर लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन एंड पैरेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दो काफ़ी इम्पॉर्टेंट लॉ थे वेक्टर एडिशन के जिसमें हमने देखा कि किस तरह से अगर किसी प्लेन में दो वेक्टर लाए करते हैं तो हम उन दोनों वेक्टर का एडिशन कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफिकली यस yes. तो इन मेथड्स के बाद अब इम्पॉर्टेंट थिंग जो आती है कि क्या अगर दो वैक्टर्स का हम एडिशन कर रहे हैं तो वो वेक्टर का एडिशन क्या किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या फिर वो एडिशन किसी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है तो आज इस लेक्चर में हम उसे ही देखने वाले हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ध्यान से देखिएगा डेफिनेटली ये लेक्चर आपके बड़े काम में आने वाला है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर किसी लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए इसे सिंसियरली बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है डेफिनेटली यू विल इन्जॉय अलॉट एंड लर्न अलॉट सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन फॉलोज फ्राम द पेरालोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर्स यस जैसा कि हमने देखा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन और पैरलेलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन तो अगर हम इन दोनों लॉज को देखें तो ये दोनों लॉ भी आपस में किसी न किसी सिमिलेरिटी को शो कर रहे होते हैं अगर हम ऐसा कहें कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन जो है वो पैरलेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है या फिर है मैं ऐसा कहूँ कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें अपेयर होता है पैरेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी तो डेफिनेटली हम यहाँ पर एक प्रूफ के जरिए उसे आसानी से देख सकते हैं तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं ये जो पैरेलेलोग्राम आप देख सकते हैं सामने जैसा कि हमने पैरलेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखा था कि सपोज इफ़ देयर आर द टू वेक्टर्स सपोज लेट अस कंसीडर दीज आर द ए बी आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वैक्टर हैं ए बी और दूसरा वैक्टर जो है दिस इज़ ए डी तो आपने ए बी को रिप्रेजेंट किया है वैक्टर पी से और ए डी को रिप्रेजेंट किया है वैक्टर क्यू से तो सपोज़ ये जो दो वैक्टर्स हैं आपको इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कि यहाँ पर दोनों वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की या एक वेक्टर ड्रॉ किया जो आपस में एक दूसरे से मिले और फाइनली यहाँ पर एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया तब इस पैरलोग्राम का ये जो डायगोनल है ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों वेक्टर ए बी एंड ए डी के रिजल्टेंट को या इन दोनों के एडिशन को सो वी कैन राइट इजीली ए बी प्लस ए डी इज इक्वल टू ए सी ए सी इज अ डायगोनल यू कैन सी वेरी इजीली इजिली एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैक्टर आर अब अगर हम पैरेललोग्राम लॉक की बात करें या पैरेललोग्राम की बात करें सिंपली तो हमें पता होता है कि पैरेललोग्राम की जो पैरेलल साइड्स होती हैं या फिर जो अपोजिट साइड्स होती है आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर ए डी है एंड बी सी है दीज ए डी एंड बी सी बोथ आर द पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स तो डेफिनेटली ये एक दूसरे के क्या होगी इक्वल होगी इसी तरह से ए बी एंड डी सी भी क्या होगी एक दूसरे के इक्वल होगी सो सिंस द पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल they must represent equal vectors yes since in parallelogram the opposite sides are equal and parallel they must represent equal vectors to yahan par aap dekh sakte hain ad is equals to bc very easily ad is equals to bc ye dono sides kya hain bilkul ek dusre ke parallel है इसलिए equal होगी तो definitely मैं कह सकता हूँ कि अगर AD डी जो है वो क्यू को रिप्रेजेंट कर रही है तो डेफिनेटली बी सी भी क्यू को रिप्रेजेंट करेगी तो डी सी बी सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू द वैक्टर क्यू अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके पास वैक्टर पी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ए बी वैक्टर क्यू है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बी सी तो यहाँ पर दो वैक्टर हैं और अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से आपको ट्रैंगल ऑफ वैक्टर एडिशन याद आ रहा होगा जिसमें हमने देखा था कि अगर दो वैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें से एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से कोइंसाइड हो रहा है इट मीन्स कि दो सक्सीडिंग वेक्टर्स पहला वेक्टर ए बी ए से स्टार्ट हुआ बी पर फिनिश हुआ देन अगेन दूसरा वेक्टर बी से स्टार्ट हो रहा है सी पर फिनिश हो रहा है इट मीन्स की दीज आर द टू कंटिन्यूअस वैक्टर आर द टू सक्सीडिंग वैक्टर्स विच आर कमिंग वन बाय वन आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्टर ए बी एंड बी सी आर द टू सक्सीडिंग वैक्टर्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं वैक्टर क्यू का टेल वेक्टर पी के हेड के साथ में पॉइंट हो रहा है तो यहाँ पर ये जो रेगुलरिटी मैनर आ, मैंटेन हो रही है पी क्यू पी क्यू पी क्यू तो अगर हमें इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा इस वेक्टर ए बी वेक्टर ए बी का इनिशियल पॉइंट ए और वेक्टर बी सी का जो एंड पॉइंट होगा सी इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर दीजिए मिला दीजिए इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं और डेफिनेटली जब हम मिलाएंगे तो इनका जो ऑर्डर होगा वो इस पी क्यू के ऑर्डर के अपोजिट होगा किस तरह से अपोजिट है आप देख सकते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर पी क्यू इसके बाद इस तरह से होना चाहिए था लेकिन इसका ऑर्डर क्या हो रहा है देख सकते हैं आप पी क्यू बट इसका ऑर्डर आ रहा है अब इस तरह से ए सी सो दिस वैक्टर आर विच इज़ द डायगोनल ऑफ दिस पैरलोग्राम इन अपोजिट ऑर्डर टू द पी एंड क्यू तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल लॉ को डिफाइन कर रहा है ठीक है यहाँ पर ये ट्राएंगल लॉ को डिफाइन कर रहा है पी क्यू पी क्यू पी क्यू का जो रिजल्टेंट है वो क्या है यहाँ पर अपोजिट ऑर्डर में आर है आर है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से कि द ट्राएंगल लॉ फॉलोज द लॉ ऑफ पैरलोग्राम ऑफ वैक्टर एडिशन सो वेरी इजीली हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी ए सी ए बी प्लस बी सी ए सी ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी ए सीट इजल हम देख चुके हैं पैरलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है ये ठीक है अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग वैक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव वेक्टर एडिशन क्या होता है कम्यूटेटिव होता है ये कम्यूटेटिव का मतलब क्या है इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि सपोज आपके पास दो वैक्टर हैं वैक्टर ए एंड वैक्टर बी और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है वो किसी पर्टिकुलर प्लेन में लाए हो रहे हैं या मैं सिंपल ऐसी बात कहूँ कि आप वैक्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर दो वेक्टर एप्लीकेबल हैं सपोज दो वेक्टर कौन है ये यह यहाँ पर दो फोर्स हैं एफ वन एंड एफ टू ये जो दो फोर्स हैं यहाँ पर एप्लीकेबल हैं और आप नेट रिज़ल्टेंट फोर्स पता करना चाहते हैं सपोज़ ये नेट रिज़ल्टेंट फोर्स है इनका दैट इज़ बेसिकली क्या है यहाँ पर वो ऑबियसली इन दोनों का एडिशन होगा क्योंकि दोनों फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन सेम ही है ठीक है तो यहाँ पर वो जो होगा बेसिकली रिजल्टेंट वो होगा इन दोनों का एडिशन एफ वन प्लस एफ टू तो ये जो एफ वन प्लस एफ टू होगा इनका कहने का मतलब ये है कि ये कम्यूटेटिव है कम्पिटेटिव का मतलब यह है कि आप f1 वन प्लस एफ लिखिए या फिर f2 टू प्लस एफ लिखिए दोनों का रिजल्ट सेम ही आना है दोनों का रिजल्ट सेम ही आना है इससे रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं इट मीन्स f1 वन प्लस एफ लिखें या f2 टू प्लस एफ लिखें रिजल्ट हमेशा सेम ही मिलना है सो द प्रॉपर्टी दैट द वैक्टर एडिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ़ द ऑर्डर इन विच द वैक्टर्स आर एडेड इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द वैक्टर एडिशन सो इन द ट्राइंगल ए बी सी द साइड ए बी एंड बी सी रिप्रजेंट वैक्टर पी एंड इन द ऑर्डर यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कमेटिव लॉ को हम प्रूव भी कर सकते हैं जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में मैं तो A, B B, इस triangle इस triangle अगर मैं बात करूँ तो वैक्टर ए बी एंड बी सी इस ट्राइंगल के पार्ट हैं और इस ट्राएंगल की अगर मैं बात करूँ ए बी सी तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी इज टू ए सी है सो so मैं लिख सकता हूँ पी प्लस क्यू इज़ इक्व टू आर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर सो दे आर अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी दैट इज पी प्लस क्यू इज टू आर और इसके साथ ही एक ट्रैंगल जो ये वाला है हमारा ए डी सी ए डी सी इस ट्रैंगल ए डी सी के अंदर भी अगर हम ट्रैंगल लॉ को ढूंढने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि ये ट्राएंगल बन रहा है या इस ट्राएंगल लॉ के जो कम्पोनेंट्स है दिस इज ए डी वैक्टर ए डी और वैक्टर डी सी देखिए ये दोनों कंटिन्यूस वैक्टर हैं सेम ऑर्डर के वैक्टर हैं और इनका रिजल्टेंट क्या होगा इनका रिजल्टेंट ये होगा वैक्टर आर अपोजिट ऑर्डर में इन दोनों के अपोजिट ऑर्डर में ठीक है तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या हो जाएगा अगर मैं इस ट्रैगल लॉ की बात करूं तो दिस विल बिकम Q तो आप देख सकते हैं ऑल्सो इन द दी सी द साइड एडी एंड डी सी रिप्रेजेंट दैक्टर क्यू एंड पी टेकन इन द ऑर्डर डेफिनेटली अभी हमने देखा दे फोर अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वैक्टर एडी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी That is Q plus P is equals to R. So अभी हम देख सकते हैं दोनों इक्वेशन जो है हमारी इसकी प्रीवियस इक्वेशन जो हमने देखा पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर एंड दिस इक्वेशन क्यू प्लस पी इज इक्वल टू आर दोनों ही इक्वेशन के आर एच एस आर आर क्या है इक्वल सो डेफिनेटली इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे इट मीन्स की लेफ्ट हैंड साइड पी प्लस क्यू इज इक्वल टू दिस लेफ्टू प्लस पी सो फ्रॉम द अबो इक्वेशन वी हैव पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव कर दिया है कि आप अगर दो वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं तो दोनों वेक्टर का एडिशन उसके ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता कि आप पहले किससे किसको ऐड कर रहे हैं या तो पी को क्यू से ऐड करें या क्यू को पी से ऐड करें हमेशा एडिशन सेम ही होगा दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस वेक्टर एडिशन अब अभी तक तो हमने बात की सिर्फ दो वेक्टर्स की पी क्यू की अब सपोज यहाँ पर दो से ज़्यादा वैक्टर्स हैं अगर अगर सपोज थ्री वैक्टर्स हैं तो थ्री वैक्टर्स के लिए भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लॉ है दैट इज़ वैक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन वैक्टर एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है अभी एसोसिएटिव का मतलब क्या है तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सपोज आप फिर से कंसिडर कीजिए कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमने कंसिडर किया है यहाँ पर ठीक है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है हमारा ठीक इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे सपोज एक फोर्स अप्लाई हो रहा है दिस इज एफ वन ठीक है इस फोर्स को मैंने कहा दिस फोर्स इज एफ वन सपोज कोई दूसरा फोर्स एक और एप्लीकेबल हो रहा है ठीक है दिस फोर्स इज एफ टू और सपोज कोई तीसरा एक और फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट दिस फोर्स इज एफ थ्री ठीक है तीन फोर्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं अप्लाई हो रहे हैं आपको कहा बताइए नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा सपोज नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एफ है ठीक अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है आ, वो कहता है कि भाई यहाँ पर तीन वैक्टर्स हैं अब इन तीन वैक्टर्स में से आप पहले कोई भी दो वैक्टर को ऐड करो फिर तीसरा वैक्टर ऐड करो ठीक है सीधी सी बात है अगर तीनों को ऐड करना होगा तो प्रोसेस क्या होगी पहले दो वेक्टर्स को किसी दो वेक्टर्स को ऐड करो फिर तीसरे वेक्टर को ऐड करो बट किन दो वेक्टर्स को पहले ऐड करो इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस तो उसने कहा कोई भी दो वेक्टर को पहले ऐड कर लो सपोज हमनेफ़ वन प्लस एफ टू पहले कर दिया फिर बाद में एफ प्लस एफ थ्री कर दिया ठीक है कोई मैटर नहीं है कोई बात नहीं है आप किसे भी पहले ऐड करो ठीक है हमने ऐसा लिख दिया एफ वन प्लस एफ टू ठीक है इन दोनों को पहले ऐड कर दिया ठीक है फिर बाद में इसमें एफ थ्री ऐड कर दिया कोई बात नहीं ठीक है या उसने कहा पहले एफ टू और एफ थ्री एड कर दो पहले एफ टू और एफ थ्री को ऐड कर दो बाद में एफ वन को ऐड कर देना एफ टू प्लस एफ थ्री को ऐड कर दो बाद में एफ़ वन को ऐड कर देना तो दोनों का रिजल्टेंट हमेशा इक्वल ही होगा ठीक है जैसा कि हमने कम्पिटेटिव लॉ में देखा कि भाई यहाँ पर वैक्टर के ऑर्डर से वैक् या वेक्टर के ऑर्डर ऑफ एडिशन से फर्क नहीं पड़ता कोई भी वेक्टर को किसी से भी ऐड करो पहले किसी को भी वेक्टर को कंसिडर करो आप ठीक है हमेशा रिजल्टेंट जो है वो सेम ही आना है उसी तरह से तीन वेक्टर्स के लिए वेक्टर लॉ या एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी यही प्रूव करता है कि अगर आप तीन वैक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं करिए आराम से किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं पहले किसी भी दो वैक्टर्स को कंसिडर कीजिए बाद में जो बच रहा है उससे थर्ड वैक्टर को उसमें ऐड कर दीजिए रिजल्टेंट हमेशा सेम ही होगा सो इट कैन बी ईजीली प्रूव दैट इट कैन बी ईजीली प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी ठीक है आप ए प्लस बी को पहले ऐड करें देन बाद में सी को ऐड करें या फिर बी प्लस सी को पहले ऐड कर लें फिर a को ऐड कर लें सो एडिशन ऑफ द थ्री वैक्टर्स ए बी सी एंड सी रिजल्ट सेक्टर वेदर वैक्टर सी इज एडेड टू द ए प्लस बी जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और वैक्टर बी प्लस सी इज एडेड टू द ए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सो इन अदर वर्ड्स द एडिशन ऑफ द थ्री वैक्टर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैनर इन विच द वैक्टर्स आर ग्रप्ड टू कैरी आउट द एडिशन ठीक है सो द वैक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव ठीक है सो काफ़ी सिंपल सा लॉ है ये लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है जब हम फिजिकल पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट करते हैं तब बड़ा कन्फ्यूजन वाला स्थिति होती है कि बेसिकली हम पहले किन वैक्टर्स को कंसिडर करें एडिशन करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अगर ऑर्डर चेंज करें तो हमारे रिजल्टेंट में फर्क आ जाए ठीक है अभी तो हमने इसे एग्जाम्पल में फोर्स ही कंसिडर किया सपोज़ यहाँ पर दो दूसरे दो अलग अलग वेक्टर्स अगर हों ठीक है तो उस केस में भी फिर यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला स्थिति बनती है लेकिन एसोसिएटिव लॉ और कम्पिटेटिव लॉ हमें ये चीज़ इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं कि आप जो है ऑर्डर कुछ भी रखिए डेफिनेटली आपका रिजल्टेंट सेम ही आने वाला है सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा काफ़ी आसान सा लेक्चर था और काफ़ी सिंपल लेक्चर था सो so, इस लेक्चर को एटलीस्ट दो से तीन बार ज़रूर देखिएगा डेफ़िनेटली आपके कोई अगर कोई डाउट्स होंगे तो क्लियर होंगे और इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन अगर आपने इस लेक्चर को या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सामने जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू थैंक्स अगेन